मोहतरम हाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले जिनों को कुछ आसमानी खबरें मालूम हो जाती थी, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आनी शुरू हुई तो वो सिलसिला तकरीबन बंद हो गया। जिनों को ख्याल हुआ कि ज़रूर कोई नया वाकया रूनुमा हुआ है, जिसकी वजह से आसमानी खबरों पर सख्त पहरे बिठला दिए गए हैं। इस जुस्तजू में जिनों के मुख्तलिफ गिरोह मशरिक़ व मगरिब में फैल गए। एक जमात बतन नखला की तरफ से गुजरी, वहाँ हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद अस्हाब के साथ नमाज फज्र अदा फरमा रहे थे। कुरान की आवाज़ जिन्होंने सुनी और वो इनको बहुत अजीब, मौसर और दिलकश मालूम हुई। उसकी आजमत और हैबत उनके दिलों पर छा गई और वो कुरान की आवाज़ पर फरेफ्ता होकर उसी वक्त ईमान ले आए और अपनी कौम से जाकर सारा माजरा बयान किया। इन्ना समिअना कुरआनन अजबन यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिह। कुरान की अजीब कुव्वत तासीर, शीरी बयानी और हुस्न उसलूब ने उनके उसी वक्त ही उस हिदायत की राहें खोल दी। आए थे तजस्सुस के लिए मगर अल्लाह ताला ने ईमान से मालामाल कर दिया। किसकी तासीर थी? कुरान करीम की। इस पुरकैफ अंदाज में जाहिर है कि तिलावत अपना एक मकाम रखती है, कितने लोगों की दुनिया को बदल देती है। आपने नाम सुना है आसमाने तजवीदो किरात और तिलावत में एक मशहूर मिस्री कारी शेख अब्दुल बासित मरहूम के हालात में लिखा है कि 100 से ज्यादा लोगों ने सिर्फ उनकी तिलावत से इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, उस जात का शुक्र अदा कीजिए कि उसने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ इस मजलिस में मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया।